हे गाइस, दिस इज़ माई फर्स्ट डे इन सिलीगुड़ी और मैंने अभी तक डिसाइड नहीं करा कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए एंड कन्फ्यूज हूँ मैं बहुत और मतलब समझ नहीं आ रहा यार मेरे को। और अब तो मैं रेडी हो गई हूँ कि बाहर निकलना है। एटलीस्ट ब्रेकफास्ट तो मैं सोच रही हूँ कि बाहर करा जाए। सो थोड़ी देर में बाहर जाऊँगी मैं और कहाँ जाना है तभी डिसाइड करते हैं। पहले खाया जाए, भूख लग रही है। भूख जब तक नहीं शांत होगी तब तक पता नहीं चलेगा कहाँ जाना है। मैं बस बाहर आई हूँ अभी और देखते हैं क्या है यहाँ पे खाने का। उसको होना चाहिए कि इधर जाना चाहिए, इधर जाना चाहिए, इधर ही जाना चाहिए। एंड ये है यहाँ की मॉर्निंग। मतलब यहाँ पे ऐसा है ना, धूप तो दिख रही है बट ठंडी है यहाँ पे। एंड दिस इज मी। मार्केट क्लोज है ये, मतलब बोल सकते हैं मार्केट क्लोज है और चाय की कुछ दुकान खुले हुए हैं। एंड समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, तो मैं सोच रही कि कहीं जाया जाए, वहाँ पे कुछ ना कुछ तो खाने का मिल ही जाएगा। तो मैं वो करने का सोच रही हूँ अभी। I decided where to go. Now I am having this tea. इसके बाद हम जाएंगे, कहाँ जाना है हमें। ओला और रैपिडो जो है वो अवेलेबल है, ओके। बट रैपिडो में मैंने कल भी ट्राई करा, आज भी ट्राई करा, उसमें मतलब ऐसा कि कोई आ ही नहीं रहा, मतलब कोई पिकअप ही नहीं कर रहा है, कोई मतलब सर्विस मेरे ख्याल से रैपिडो की आई डोंट नो जो भी है कम है, या फिर मतलब वेट करते रहोगे और कोई नहीं आएगा लेने। एंड ओला में अभी मैंने ट्राई करा है, अराइविंग इन 2 मिनट्स दिखा रहा है। अभी देखते हैं ओला बाइक अवेलेबल हो। अगर आप ओला कैब से ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपके 100 रुपये 2 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए कहीं नहीं गए। उससे अच्छा तो यहाँ पे E-रिक्शा चलते हैं, तो उस पर आप क्या बोलते हैं, E-रिक्शा चलते हैं यहाँ पर, तो उससे बेटर वो है कि E-रिक्शा पर ट्रैवल कर लो ओला कैब में ट्रैवल करने से। बिकॉज 2 किलोमीटर्स के ओला कैब चार्ज कर रहा है 100 रुपये और ओला बाइक चार्ज कर रहा है 40 रुपीज़ के आसपास। तो मेरे ख्याल से बहुत डिफरेंस है, ये डबल हो जाता है पूरा कैब में। और मुझे देखनी है सिटी, तो ऑफकोर्स घूमना है तो घूमना है। बेसिकली बाइक ज़्यादा बेटर ऑप्शन लगता है मुझे, तो मैंने वो अभी बुक करा है। अभी अराइविंग दिखा रहा है, आई डोंट नो। ये कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल बहुत करते हैं ये लोग, पागल कर सकते हैं। जाएंगे थोड़ी देर में। और पहली बार ऐसा है कि मतलब मैं ISKCON टेम्पल विज़िट कर रही हूँ, मैं इसके पहले कभी भी नहीं गई हूँ। तो चलिए चलते हैं, यहाँ से हम एंटर करेंगे। तो हम जा रहे हैं अंदर। यहाँ पे आई थिंक जूते चप्पल उतार दिया जाता है, फ्री शूज़ पहन, ओके। तो यहाँ पर मैं शूज़ उतार देती हूँ। ये मार्बल्स जो लगे हुए हैं यहाँ पे, ये काफ़ी ज़्यादा ठंडे हैं अभी। एंड ये है ISKCON मंदिर, श्री श्री राधा माधव सुंदर मंदिर, ओके। एंड ये है सराउंडिंग यहाँ का। काफ़ी अर्ली मॉर्निंग में आ गए ऐसा मुझे लग रहा है, मतलब कितने बजे हैं अभी 9 बजे। उतनी ज़्यादा सुबह भी नहीं आई हूँ मैं, बट काफ़ी पहले आ गई हूँ। Don't keep your shoes here, fine. I was like यहाँ पे कैमरा तो यूज़ करना अलाउ होगा ना। So मैं अंदर जा रही हूँ। क्या है ये? कृष्ण चरण चिन्ह है, श्रीमती राधा रानी एंड कृष्णा। आगे चलते हैं। ये कृष्णा जी और राधा रानी का टेम्पल है। जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर है। आगे जाके ये ऊपर से पूरी ड्राइंग बनी हुई है वाओ, काफ़ी ज़्यादा सुंदर है ये। अंदर चलते हैं। बैठने का भी बहुत अलग हुआ है, बैठने का चलने का नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे ज़्यादा हल्ला नहीं होना चाहिए, बहुत शांति है यहाँ पे। पोल पे भी आर्ट हुआ है, तो दिखाते हैं आपको। ये है अलग अलग टाइप का। और अंदर का वॉल से भी दिखाती हूँ। फाइन, अब हम चलते हैं जो मेन टेम्पल है उसकी तरफ। ये भी काफ़ी सुंदर तरीके से बनाया गया है। राधा जी और कृष्ण जी की मूर्तियाँ लगी हुई है। हमने टेंपल तो घूम लिया, अब बाहर का जो है वो मैं शो करूँगी आपको। ये टेंपल जो इंटीरियर था, अंदर का जो था वो हमने देख लिया है। अभी हम चलेंगे बाहर। जाना मना है, नो एंट्री। एक घूम तो सकते हैं आई थिंक, परिक्रमा इसकी चारों तरफ से। ये हमारे मैंने किया था ये वीडियो बनाया है, ये वीडियो बनाया है। सो ऐसा ही गार्डन है, कप पेंटिंग करनी है एंड वो कोड है, वो कोड है, ये कोड है। मैं सॉरी, वो कोड है एंड मेरा अच्छा है। ये नेक्स्ट वाला कुछ करके है, मतलब चल गया डांस। ये कुछ नहीं पता चला, ये वाला पार्ट में ये पर हाइकिंग के लिए जाते हैं। आप जाते हैं तो करना है, ये करना है, और बता कमेंट करके स्टोरी करते हैं। मैं रिव्यू करना है, आप सब कुछ और बात करते हैं। बहुत अच्छी बात है, अच्छी सोच रखो एंड ये हमारा काफी लगा सी एंड ये बात करते हैं। ठीक है, काम करो बट सही है। हां, थोड़ा मतलब चीजें थोड़ा बात करते हैं। ये जो है ये हमारा कुछ बात करते हैं। हम जब बोलते हैं तो चलिए चलना है। ये देखो यहां वाली ये वाली गाड़ी तो मैं कुछ मतलब बताया ये पूरी बात कर दिया। ओके, अब और आगे ना चलते हैं वापस। यहाँ पे क्या क्लीन जगह है, मतलब बहुत क्लीन है और मज़ा आ गया घूम के। ये फ्लावर्स, ये पानी है, ये रखा है और उधर पानी रास्ता है। तो अभी फोटो दिखा रहा है, वहां पे अपनी फोटो खींच रहा है। ये मतलब है ओह, यहां पर लगे कभी छोड़ा है, मतलब नहीं है ये। यहां पे बहुत है, ये हमें रास्ता है। और है हमारा जो है ये है, काफी अच्छा है। क्या है ये बन रहा है, ये है ये बना बन रहा है। पकड़ चुके हैं। ये राम मंदिर खबर है, राम मंदिर है। ये है ऋषि बोला बोला ये मंदिर ओके। तो ये है ऋषि बोला ये मंदिर देवम करके। तो ये मेरे को पता नहीं, हम सुना है आई थिंक ऋषि के अवतार है। लगा ये यहां पे चली गया मैं और आपको वीडियो बनाया, मतलब वीडियो बनाने वाले बताइए कि अच्छा लगा यहाँ पे आके और मज़ा आया मुझे घूम के, बिकॉज पीसफुली ना कोई मतलब टायर्डनेस, मतलब काफ़ी शांति है, काफ़ी लाइट फील हुआ मुझे। मैं लाइट फील हो गई बिकॉज अभी सुबह भी है, मतलब क्या मॉर्निंग टाइम है और बहुत सही है, ये काफ़ी सही है। ये एक दरवाजे पे जो पेड़ सा लगा हुआ है, तो ये यहाँ सही जा रही हूँ से। तो अब हम एग्ज़िट करेंगे थोड़ी देर में। अभी नेक्स्ट कहाँ पे जाना है ये मैं डिसाइड करूँगी। अगर आपको ये जगह अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 लाइक करो वीडियो को, और आपको ज़रूर अगर आप विज़िट करते हो सिलीगुड़ी तो आपको ज़रूर आना चाहिए यहाँ पे इस्कॉन टेम्पल। अगर आप बाहर से हो और आपने कभी देखा नहीं है ये, तो बिल्कुल देखना चाहिए, एंड काफ़ी अच्छी जगह है ये। और अच्छा, मेरी वीडियोस अच्छी लगती है या फिर अच्छी लगी या फिर कोई वीडियो अच्छी नहीं लगी तो मुझे कमेंट करके बताओ यार कि ये वीडियो अच्छी नहीं लगी या फिर ये वीडियो अच्छी है। और अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करो। अगर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो या फिर अपने दोस्तों के साथ कोई ट्रिप में आना चाहता है तो प्लीज़ उनके साथ शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, फैमिली के साथ शेयर करो, जितना शेयर कर सकते हो शेयर कर दो, लाइक की लड़ी लगा दो एंड कमेंट्स करो यार, अच्छे बुरे जो करने हैं करो। अगर मैं अच्छा नहीं कर रही तो जस्ट मुझे टेल मी कि अच्छा नहीं है ये, और अच्छा है तो जस्ट टेल मी यार कि ये अच्छा है, सो आई विल अपडेट माई सेल्फ, है ना। तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ, और ये वीडियो कैसी लगी मुझे ये भी बताओ, और ये जगह कैसी लगी आपको बेसिकली तो वो भी मुझे बताओ आप। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अभी नेक्स्ट जगह भी जाने वाले हैं हम, नेक्स्ट जगह भी जाने वाली हूँ मैं, तो आपको उसका भी वीडियो अपडेट में मिलते रहेगा। और सारे लिंक मैंने वीडियो पे अपडेट कर दिए हैं, जहाँ जहाँ पे भी मैंने सिलीगुड़ी ट्रिप में मैंने जहाँ जहाँ पे ट्रैवल कराया, जहाँ पे भी मैं गई हूँ, तो उस जगह का लिंक मतलब वीडियो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया हुआ है, तो प्लीज़ वो भी देखना। अगर मेरा चैनल चेक करते हो तो वो भी चेक कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।